कपिल मिश्रा जी ने 22 तारीख को अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में आया कि हमने घपला पकड़ा है, तो मैं उसमें जानना चाहता हूँ जो घपला पकड़ा है क्या उसमें FIR दर्ज हुई है और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक हुई है, तो उसकी FIR की कॉपी और क्या कार्रवाई की है उस पटल पर रखा जाए। और दूसरा जो इसमें मैनेजर वगैरह हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं उन सबका इसमें मिली भक्त है, मैं आपको मैं प्रूफ के आपको अभी दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री। जैसा मैंने पहले ही कहा कि श्रम विभाग में इससे संबंधित अभी तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। आपके पत्र को संज्ञान लेते हुए हमने पर्यटन विभाग में इसकी जानकारी मांगी थी और पर्यटन विभाग ने अपनी सारी जो कार्रवाई अभी तक की है, जैसा मैंने कहा कि उसको ब्लैक लिस्ट करने का, 90 लाख की राशि को जब्त करने का और उसके खिलाफ FIR करने का फैसला लिया है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई श्रम विभाग अपने स्व नोटिस लेकर के, जैसा कि आपके पत्र के माध्यम से श्रम विभाग के पास जितना अधिकार है उसके तहत भी हम कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। सर बोल रहे हैं, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जी दो मिनट में और लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताइए। मैंने कल कुछ टिप्पणी की थी विधानसभा में यहाँ के कपिल मिश्रा जी को लेकर कामों के बारे में। जगदीश जी मेरा उससे सर मेरी एक सेकंड मेरी बात सुन ले, मेरी बहुत महत्वपूर्ण है, आप मेरी बात से संतुष्ट होंगे। अभी कपिल मिश्रा जी के कोई अरुण तिवारी जी हैं, उनका मुझे फोन आया कि प्रधान जी आप कहाँ हैं, मगर जी मैं उठी चला हूँ कि आपसे एक बार मिलना है, मगर आ जाओ भाई। क्या लगा आप मंत्री जी के खिलाफ क्यों बोल रहे कल, मगर भाई कोई मुद्दे की बात होगी कोई शिकायत होगी तो मैं मंत्री जी के बारे में ना बोलूँगा, तो ये तो नहीं हम लोगों ने यहाँ चुन के भेज दिया आप जाओ वहाँ बैठ के चले आओ, अपने विकास की बात भी करेंगे, कोई मंत्री काम नहीं कर रहा उसकी शिकायत भी करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मंत्री जी के पीएम में थ्रेड करेंगे, अब क्या करा रहे ना किससे काम कराएंगे? जगदीश जी मैं करता हूँ इस पर बात, आप कुछ दें अपना वो वक्त दें। चलिए तो दोनों चीजों के बारे में एक एक करके बता देते हैं। एक तो कोर सिक्योरिटी के बारे में जो प्रधान जी ने चिंता व्यक्त की है, एक शिकायत आई थी दिल्ली टूरिज्म के पास जिसमें यह पता लगा कि कोई ऐसा एक एजेंसी है जो कर्मचारियों को पूरे ही पैसे नहीं दे रहा है, ज्यादा देर काम करा रहा है, PF भी नहीं दे रहा है। तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई की और यह पता लगा कि उसने PF के पैसे भी में भी गड़बड़ कर रहा था, टोटल पेमेंट में भी गड़बड़ कर रहा था और एक महीने के अंदर कार्रवाई पूरे करते हुए उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, 90 लाख की राशि जमा कर दी है और FIR दर्ज करा रहे हैं। इतनी तेजी से शायद आपके जमाने में कार्रवाई नहीं हुआ करती थी प्रधान जी। दूसरी चीज जो आपने दूसरी बात कही उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ, आपने कहा FIR दर्ज करा दी है और अभी तक हुई नहीं है। उन्होंने कहा है FIR दर्ज करने करने का निर्णय ले लिया, ब्लैकलिस्टेड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, 90 लाख की राशि जब्त कर ली आपको और FIR की कॉपी भी आपके पास आ जाएगी होते के साथ ही। आपको इसमें क्या लग रहा है कोर सिक्योरिटी के साथ कोई समस्या है कि आप ये चाहते हैं कि ना करें उसको कार्रवाई? कार्रवाई होने से पहले कभी नहीं आए विधानसभा में, कार्रवाई होते ही क्या चिंता व्यक्त कर रहे हैं आप लोग? अब ये भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आपकी परेशानी क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होना आपकी परेशानी है क्या? और क्या है? नहीं और मंत्री के नहीं जब हुआ ऐसा है कार्रवाई की खबर ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी आप बिना तो समय लिए बोल लेते हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, जगदीश जी बात रख रहे हैं अपने। अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार के कार्रवाई होने के बाद अखबार में पढ़ने के बाद की घोटाला पकड़ के कार्रवाई कर दी तब प्रधान जी को पता लगा, उससे पहले कुछ नहीं पता था। 18 तारीख को हमने अपने उसमें दिया हुआ है। चलिए कपिल जी अच्छा दूसरी चीज जो प्रधान जी ने बोली उसके बारे में कह देना चाहता हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरासर झूठ बोल रहे हैं सदन के अंदर और इस पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, इस प्रकार से सदन में झूठ बोल रहे हैं अपनी जिम्मेवारी के साथ। झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज कल क्योंकि मैं सदन में नहीं था तब मुझे पता लगा कि प्रधान जी ने कुछ बातें बोली थी, मैं उसके बारे में ये कह देना चाहता हूँ कि जगदीश प्रधान जी आप जमीन से जुड़े नेता हैं ये मेरे को मालूम है, बरसों से किसी का घर तुड़वाना, जमीन पे कब्जा करना, जमीन को खाली कराना यही धंधा है आपका। कपिल जी इनका मैं नाराजगी बता देता हूँ, कपिल जी कहना चाहता हूँ आपसे इनकी मैं नाराजगी बता देता हूँ। एक मेरी नाराजगी ये है कि ये वहाँ पे स्कूल के नाम पे 1000 गज की जमीन खाली कराने गए, जब वहाँ पे जाके देखा तो ये अपने बराबर घर की पार्किंग बनवा रहे थे, अपने बराबर घर की पार्किंग बनवा रहे थे, स्कूल में कोई इनका रिसर्च नहीं था, लोगों के घर तुड़वाना चाहते थे और क्योंकि वो नहीं हुआ इसलिए आप परेशान है। आपको या तो अपने बारात घर की पार्किंग चाहिए या किसी के गरीब के घर तुड़वाने हैं या बुलडोजर चलवाना है, जमीन पे कब्जे के अलावा कोई काम किया है प्रधान जी?
जमीन पे कब्जे के अलावा कोई काम किया है तुमने आज तक? यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो।